अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो इतना प्यारा मौसम हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। मैं क्या कर रही हूँ, मौसम एंजॉय कर रही हूँ। आपको ऐसा लगता है? कैन यू इमेजिन, मैं इतने प्यारे मौसम में भी क्या कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ। मैंने कहा इतना प्यारा मौसम हो रहा है, पापा तो कहीं निकलने जा रहे थे, चलो सब पे चले जाते हैं। तो मम्मी ने कहा बेटा ये शाबाश, ये एक टोकरी भर के कपड़े भी ले जाओ और इनको भी धो लेना हाथ, तो आज मौसम इंजॉय करने के साथ साथ तो कपड़े धुलना दे दड़ा दन कपड़े धुल रहे, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। मैंने कहा अम्मी दाग तो अच्छे होते हैं, क्यों धो रही हो यार इनको। तो मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, लेकिन कपड़े धो रहे हैं लोग जाते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, लोग जाते हैं घूमने फिरने, लॉन्ग ड्राइव पे हम भी जाते हैं, लेकिन कल ही देना, क्या करें, काम बहुत है घर में, वरना मैं तो ज़रूर जाती, घूमने जाती। आज तो मैं सुबह ही उठ गई थी, मैं उठी थी 9 बजे उठ गई थी, 8 बजे उठ गई थी, 8 बजे उठी हूँ। मैंने अपनी वीडियो एडिट करी है, वीडियो अपलोड करी है, और उसके बाद नाश्ता बनाया, पापा और मैंने साथ बैठ कर नाश्ता किया। जी हाँ, फिर उसके बाद वेली घूमती रही, उसके बाद जहर हो गई, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद तकरीबन ऐसी दिन गुजर रहा है, फ़िलहाल गुजर रही है, गुजार रहे हैं और बस गुजर रही है फ़िलहाल। मौसम इतना प्यारा और कपड़े धो रहे हैं बैठ के, खचड़ खचड़ आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं एक्सपेक्ट आपसे कर सकती हूँ। अच्छा जी, तो आज है हमारे घर में नहीं, मतलब पूरी दुनिया जहान में हर जगह चांद रात। वैसे तो जो चांद होता है ना, वो तकरीबन ईद से 10 दिन पहले नज़र आ जाता है, आप लोगों को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ईद से एक दिन पहले उसको चांद रात ही कहा जाता है। आज हमारे घर में आएगा जानवर, क्योंकि आज है चांद रात, तो आज आएगा जानवर। तो मुझे कुछ नहीं पता, दुम्बा बकरा ऊँट गाय क्या आता है मुझे कुछ नहीं पता। वैसे तो घर में चल रही हैं बातें, ये ले लो, गाय ले लो, बकरा ले लो, ETC, अब देखो क्या आता है, ज़रूर दिखाऊंगी, कहीं जाना नहीं है, ब्लॉग को एंड तक देखना है, मैं बता रही हूँ, स्किप भी मत करना। तो दरअसल बात यह है कि जो अलग ऑटोमेटिक जो मशीन होती है ना, जिसके अंदर कपड़े गुदी धुलते हैं और गुदी खंगल जाते हैं, उसमें ना प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, प्रेशर से पानी नहीं आ रहा, तो उन कपड़ों में सर्फ लगा रह जाता है, और वो ड्राई करके हमको दे भी देती है, फिर जब पहनने की बारी आती है तो अरे सर्फ लगा हुआ है इसमें, तो वही ब्लू सा, तो ये चल रहा है आजकल, पर नहीं पानी प्रेशर से नहीं आ रहा, उसमें सही काम नहीं कर रही, इसका दिमाग थोड़ा सुनू चल रहा है आजकल, इसलिए मैं छत पे बैठ के यहाँ पे तो सिंगल मशीन से कपड़े धो रही हूँ। दूसरा ये कि चादर वादर हटी हैं, घर की पूरी अच्छे से धुलाई हो रही है, जैसे पत्नी क्या ईद है भाई, क्या हाय रब्बा, कल ईद है, एग्जाम्स की वजह से मेरी ना बहुत लेट हो गई है वीडियोज़, मुझे बहुत सारे हिजाब ट्यूटोरियल्स भी देने थे आप लोगों को, भाई दुपट्टे शुपट्टे पहनकर निकलना बाहर ईद पर, कहीं भी जाओ, लड़कियों सुन रही हो, कन्नियों कन्निया तो मुझे सिखाना था, लेकिन पेपर्स की वजह से वो नहीं हो पाया। बस आ रहे हैं भाई, तो यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं फ्रेश, नमाज भी पढ़ ली है और नीचे आ चुकी हूँ, सारे कपड़े भी धुल चुके हैं, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, हवा तो इतनी तेज़ चल रही थी, ऐसा लग रहा था मैं भी उड़ जाऊँगी साथ में, लेकिन अब मुझे बहुत तेज़ लग रही है भूख, क्योंकि मैंने सुबह 8 बजे का खाया हुआ है नाश्ता, एक ही बात है। अच्छा चलें अब कुछ खाने चलते हैं, भूख लग रही है बड़ी तेज़ किस्म की। अम्मी गई हुई हैं बाहर चूड़ियाँ लेने गई हुई हैं ईद के लिए, तो बाजी आ गई थी अभी, तो वो अम्मी को साथ अपने ले गई थी कि मुझे मैचिंग की चूड़ियाँ दिला दो, वो ले गई। मैं तो चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, मुझे एक वॉच पसंद है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ना इयररिंग्स, ना नेकलेस, ना पाजेब, ना कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा ज्वेलरी का शौक नहीं है, बस एक वॉच होनी चाहिए अपने पास, अच्छी सी चलने वाली। ठीक है अब चलते हैं कुछ खाने, देखो मम्मी ने आज चने की दाल बनाई है, मुझे खाने पे भी नहीं बुलाया इन लोगों ने, छत पे थी ना मैं, तो ये जेंट्स चप्पल पहनी है, इसको थोड़ा इग्नोर करना, जेंट्स चप्पल वैसे पहननी नहीं चाहिए लेडीज़ को। ठीक है आ चुकी हूँ अब नीचे, आज गाड़ी नहीं है, पापा शायद कहीं गए हैं, तोते मेरे बेचारे तोते झपट्टा ना कर दें। और ये किचन आ गया, यहाँ पे सन्नाटा लगा पड़ा है क्योंकि सबने खाना खा चुके हैं, घर भी साफ हो रहा है।
हाँ, अम्मी सारे काम वाम करके अब गई हैं बाहर। अम्मी घर के भी काम करती हैं, बाहर के भी। तो यहाँ पे मैगी बन रही है। यहाँ पर ये मेरी मैगी बन चुकी है, बटन बंद कर देते हैं। घर में बनी है चने की दाल। क्या हो गया, यूँ हंस रहे हो हैं? मैगी किस? हेलो, आपको नहीं, आपको बोला है। ये देखो, ये बेचारा पत्नी क्यों, उसको तोती मार रही है, उड़ता उड़ता ऊपर आ गया। फिर ऊपर आ गया, मैं इसको लेकर आ गई अपने साथ। है भाई, और अभी हमारी आने वाली है काओ, तो मैं आपको काओ दिखाऊंगी। काओ है, अभी काओ आई भी नहीं और तुम डर के आ गए ऊपर। है काटना नहीं, मैं बता रही हूँ। हाँ खरीद है, मैं बता रही हूँ। मेरे वैसे आज इतने गंदे हो चुके हैं सब। टू यस मिट्टू, सबको बोल दो। यस बेटा, कान में बोल रहा। यस बेटा, मिट्टू बेटू, मिट्टू बेटू, पालू। हाँ वो देखो, ये कौन है बताओ, बताओ ये कौन है? अल्लाह बेचारे को कैसा गंजा कर दिया है ना, बीमार लग रहा है ना मेरा तोता। हाँ हाँ है, मैं मिट्टू थोड़ी हूँ जो उसकी बात कैसे बोलनी है। हाँ ओए बप, इसको कहते हैं ओवर आना, ओवर होना। ओवर होना मतलब सर पे चढ़ के बैठना। ये रही काओ, देखो काओ आ गई है और ये टप में पति क्या खाना खा रही है। अम्मी आ जाए बाजार से तो फिर मैं नीचे जाके इसको देखूंगी। आ गए तुम लोग? आहा, खच्चर खुआरी, हमारी भी गाय आ गई। अरे ऐसा मुंह तो इधर करो, मैं भी क्या। अम्मी गाय का मुंह इधर करके आओ ना यार, गाय का मुंह। यार जाओ ना अम्मी, गाय का मुंह इधर करो यार। बाजी मुंह इधर करो यार, जाओ ना। जहांगीर गाय का मुंह इधर करके आ यार। ला 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 जा रहे, क्या हुआ करती? इधर करो ना उसका मुंह, उसको बोलो इधर देखे, मुझे इसकी वीडियो बनानी है। हाँ हाँ सही है, अब आ रहा है नजर। इधर देख, नहीं आ रहा नजर। मुड़ा तो सही। ए, 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 अरे भाई दोबारा जहांगीर मारेगी पकड़ के। आ गई ना, भाग के बताएगी मस्तारा को। आ गए और जानवर अल्लाह देगा, अल्लाह पढ़ देगा। बाजी चौपड़ लेके आई है, जानवर आए नहीं, चौपड़ लेके आ गई वही वहां पर। हाँ जी, तो अम्मी बाजार से आ गई हैं। अम्मी बता, इतनी देर से अभी बाजार गई हुई थी ना, मैं गाय देखने नीचे ही नहीं आई। मैंने बोला मेरी प्याज खत्म हो गई, दही दही लिया, प्याज भी, हरी मिर्ची और बड़बड़ 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 बड़बड़। कौन कौन बच्चे वाला? हाँ जी मेरा बच्चा खड़ा है, ट्रैफिक जाम हो गया। लो दही लूंगी, तुम प्याज लेने खड़ी हो गई? भाई लेना नहीं, क्या करूँ मैं भाई। तुम औरत होते तुम्हें पता होता कि तुम्हें पकड़ेत के लिए, कलेजी के लिए क्या क्या चाहिए होता। क्या बोलूं मैं, मेरा मर्द बहुत थका हुआ है। ये अम्मी ने कैसे बोला? फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में से लोगों को तनख्वाह देना, एडवांस देना, पैसे देना, उसमें लगे हुए। ईदी देना अम्मी, कल मुझे ईदी देना अम्मी। आपको आधा किलो गोश्त मिलेगा? मुझे गोश्त नहीं चाहिए। आप कढ़ाई बनाओ, पिज्जा बनाओ। अच्छा तो मैं कह रही थी कि ना अम्मी गाय इतनी देर से आई हुई है, लेकिन मैं ऊपर से ही देख रही थी, मैं अम्मी आएंगी ना जब जाऊंगी नीचे। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था नीचे आने का, अम्मी नहीं होती ना घर में ऐसा सन्नाटा सा अजीब सा हो जाता है, दिल करता है जहाँ अम्मी है ना वहाँ घर ले जाओ। पीछे पीछे छुरी नहीं मिल रही इसका ना, ये तो कलाई तो पतली है मगर आगे से इसका जो हाथ है ना यहाँ पर हड्डी जो है ना मर्दान है, बड़ी नहीं मिलती है। उसको बहुत चौड़ा आता है, ये कलम भी मिला था चौकी पिंक के, मेरे ये बड़ी मुश्किलों से चार दुकानों में के बाद ढूंढने के बाद मेरे लिए क्या लेकर आई ये बताओ। तेरा था जोरा, मैं चप्पल भी भूल गई, चारा भी आती इसके लिए, चप्पल मेरे ना मेरी मम्मी भी आती, चप्पल मेरी चप्पल भूल गई इस तरह
चप्पल टूट गई। अरे भूल गई पास। कौन सी नई चप्पल चली थी? अरे पुरानी वाली। नहीं पुरानी चप्पल होगा बोल रहे हो। नहीं वाली पुरानी। सबसे मुश्किल नाम है भाई। मैंने चाय भी नहीं पी है तुम लोगों की वजह से। पता है माँ अम्मी आ जाएगी जब चाय पी होगी। भाजी आ जाएगी। भाजी के बगैर तो चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर भी तुझे चारा ही मिलेगा। चीनी डाल के भी मिठास नहीं आती। भाजी चीनी डाल के भी मिठास नहीं आती। मिठास। तो आज है हमारे घर में चांदरात। हमारे घर में क्या? पूरे पाकिस्तान। हमारे घर में पाकिस्तान में भाई। मैं चाह रही थी काला और सफेद। बछड़ा बछड़ा किससे बिछड़ा? अम्मी कैसा? काला और तो क्या? मैंने कुछ भी नहीं बोला। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट बछड़ा। ब्लैक एंड व्हाइट बछड़ा। बछड़ा बाजी तो बस चौपर लेकर आ गई। बाजी चौपर ले दुआ करो दुआ करो दुआ करो आलो मारा बकरा आ जाए। बाजी का बकरा एक इस पे देखो। तुम तो मंडी गई थी घूमने बकरा लेकर नहीं आई। प्राइस बताए थे सबको कितने ज्यादा। इतने महंगे महंगे मिलते हैं बकरे। तकरीबन 1-2 लाख का आपको पर फ्लाइट बकरा मिल जाएगा। 1-2 लाख नहीं 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 क्या हो गया? कितने का बकरा था? बकरा तकरीबन ऐसे इतने से मिल रहे छोटे छोटे 65,000-70,000। तुम्हें कौन सा पसंद आया था? मुझे जो जैसे वो उसकी रेंज इतनी वो आ रहे थे पसंद। बाजी को पसंद आ रहे थे कौन से वाले? 1 लाख वाले जो थे 60,000। हाँ तो लिया क्यों? लोगों को महंगे लग रहे वो इतने जैसे चीज। अच्छा वो चीज वैसी नहीं थी। 2 टांगे थी बकरे की। 3.5 लाख वाला बकरे वाला कह रहा था बाजी 2 पाए में लेके जाऊंगा। बाजी एरी मतलब 4 पाए वाला ही। पहाड़ी बकरा ले लो तुम बहुत मजा आएगा। जो दरवाजा खुला हुआ है लग रहा है ना गर्मी ही थे। कुछ भी ये दरवाजा कल बंद हो गया क्योंकि फिर लाइन लग जाती है गोश्त की। फिर अब ये है कि ये आप मेहंदी लगाने के लिए आई हैं? अरे हाँ मेरी मेहंदी तो लगा दे। हाँ तो आप बाजार चले गई घूमने में क्या कर? चला जा तो अब मैं जा रही हूँ। ये वही इंसान ना जिंदगी में कुछ भी सीख ले मेहंदी ना सीख। एक सिलाई भी। एक सिलाई और मेहंदी दोनों काम में सीख ले। बिस्किट ला दो वो टक्का और जीरा प्लस ले आना मेरे लिए। हेलो बेबी आपकी तो फर्स्ट बक रही थे। कहोगे डर गया? अरे अम्मी मैंने उसको डराया उस दिन। कैसे डराया था देखा ना तुमने? हाँ हुसैन हुसैन इसको रुलाया था मैंने। ऐसे डर गया था ये। गाय 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 का बच्चा गाय गुप। अच्छा अभी वो बैं बोल रही है। तोता ये सुबह से उड़ रहा है पता नहीं क्या हो गया है इसको बेचारे को। चाय पी लो गरम है। चाय पी लो। हाँ मेरी आवाज निकलेगी क्यों ना निकले। कल मेरी ईद है। कल ईद है मेरी। चाय पी लो बाजी बाजी चाय पी लो। चीनी हम कच्ची पीते हैं अच्छी चीनी। और हम मेहंदी लगाने आओ ये बात तुम्हारी। मेहंदी लगाओ बेटा आगे बैठो। आगे बैठ भी गया और ऐसे मेहंदी। चलो मेहंदी वाली बाजी बनने जा रही हूँ मैं लगा रही। चाय में कुछ था तो मेहंदी लगाने जा रही हूँ। किसी को लगवानी है आ जाओ। चलो बाजी हाथ रखो यार क्या टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कब से कह रही हूँ मेहंदी लगाने में। कौन सा हाथ लेना? ये वाला लेना ये वाला लेना है ले ले कोई सा भी जा। ये वाला ले लेती हूँ छोटा सा है ना जल्दी लग जाएगी इस पे। मुझे पता था ये भी। चलो जल्दी हाथ देखो। अब तुम ऐसे करोगी ना फिर मैं जा रही हूँ। फिर बैठना तुम सलोन में 3-3 घंटे। इसके लगा रही हूँ मैं लिख देती हूँ इबाद इबाद। अरे इबाद हटो। ये देखो अभी लगेगी मेहंदी। ये देखो 1-2-3 डडूम। ये डडूम हो चुकी है डन मेहंदी डन मेहंदी डन। मेरा पैर सुन हो गया। बाजी दूसरा हाथ दिखा दो यार।
मेरा पैर सुन हो गया, मैं क्या करूँ। आहा चलो भाई मेहंदी लग गई, अब जाके गोश्त धोना घर पे। शाबाश। कुछ भी मेरी भी लग गई मेहंदी। अल्लाह, मैंने पता है वो जो मेरे हाथ गंदे होते ना, मैंने उसको छुपाने के लिए ये वाला काम किया है भाई। खुद बातें कर रहा है अपने आप से। और भी तो है, कहाँ है घर वाले दाल चावल। ये देखो ये हमारे पड़ोसियों की गाय है, कितनी प्यारी है ये हमारी गाय। दरवाजा बंद कर दो, बाजी जानी अपने घर है यार। हाथ लगाने जा रही हूँ। बनाने देगी तो रस्सी खुली हुई है ना। नहीं 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 खुली हुई नहीं, खुली हुई बंदी हुई है। मासूम है बेचारी। बस चंद मिनटों के मेहमान खाना खा रहे हैं। घंटों के नारी वो भी ये तो खाने में लगी हुई है। उसको मुझे हाथ लगाने कुछ नहीं करेगी। अरे कुछ नहीं करेगी जा। तो कैसी रौनक लगी हुई है। ये गाय खड़ी हुई है छुपी हुई है पिलर के पीछे। ये गाय खड़ी हुई है, वो बकरा खड़ा है सामने। वो बकरे खड़े हैं। जूम क्यों नहीं हो रही। और एक मारता हुआ जा रहा है, चल नहीं रही होगी। करी से इतनी बड़ी लग रही थी, कैमरे में इतनी छोटी लग रही है। सिन तेसिन वो चीज़ वाली का हो, चीज़ वाली का हो। कितनी प्यारी है वो, देख क्या डबल डबल नेट। ये देखो ये देखो ये गाय जा रही है, हमें क्या पता। चलो भी गए। अच्छा जी तो मैं आ चुकी हूँ अब ऊपर, मतलब बैलकनी से कमरे में आ चुकी हूँ। और अभी एक काम करके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक वीडियो शूट करके आई हूँ। जी हाँ, तो मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, मैं थक चुकी हूँ। और हाँ मेरे हाथ में मेहंदी देख लो भाई, मेहंदी लगाई है भाई। उसको ना कवर करने के चक्कर में मैंने इस तरह का डिज़ाइन रिक्रिएट किया, तो इस वजह से ना थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ये देखो बंच को थोड़ा डार्क करने के लिए मैंने इतनी मोटी इतनी बड़ी सारी ना टिक्की लगा दी, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है भाई, कलर बहुत अच्छा है ना इसलिए। और देखो ये नेल्स भी लगाई है मैंने, टन 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 कैसे लग रही है। अच्छा मुझे अब आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और बस अब मैं बेडशीट्स वगैरह चेंज करूँगी, छत पे से कपड़े भी लाने हैं। अल्लाह, मतलब ये काम तो मैं सुबह ही कर लूँगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब मुझे सोने भी जाना है, वीडियो को एडिट भी करना होगा, तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और सुबह 7 बजे हो जाएगी कुर्बानी, तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए चलें वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वरना अभी बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी, मैं सही बताऊँ। ठीक है ना, तो फिर ये है कि भाई अगर ईद शॉपिंग वगैरह नहीं देखी है ना तो जाकर देख लो, मैंने वो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, सही है। और बात ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो ईद पर क्या लुक देने वाले हो, क्या पहनने वाले हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और वहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। तो आपकी जो स्टोरीज़ हैं वो मैं अपनी स्टोरीज़ पे लगाऊंगी और एक कमेंट्स भी पास करूंगी आपके लिए। सही है।
सही है जी। तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, टिकटॉक पे फॉलो कर लें, फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, और ये कि मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट्स करना, अच्छी अच्छी कमेंट्स करना, मैं बता रही हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय। देखो नाखून गिर गया मेरा, मैं क्या करूँ, ये देखो। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय। दो मिनट। अल्लाह हाफिज़, बाय।